झज्जर के लडायान परीक्षा केंद्र में 12वीं कक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। दरअसल 12वीं की कक्षा का फिजिकल का पेपर था जो 12:30 बजे शुरू हुआ था और 3:30 बजे खत्म होना था, लेकिन लडायान परीक्षा केंद्र पर ये पेपर परीक्षा खत्म होने से पहले ही लीक हो गया। यानी अंदर परीक्षा चल रही थी और बाहर युवाओं के मोबाइल पर ये पेपर मौजूद था। इस सारे मसले की जानकारी भी परीक्षा देने आए छात्रों ने ही मीडिया को दी। दरअसल एक छात्र का परीक्षा केंद्र लाडयान ही था, लेकिन वो परीक्षा केंद्र पर 15 मिनट की देरी से पहुंचा था क्योंकि वो जाम में फंस गया था। 15 मिनट देरी से पहुंचने वाले छात्र का आरोप है कि परीक्षा केंद्र सुपरिटेंडेंट ने उसे देर से पहुंचने का हवाला देकर उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया, लेकिन जब वो छात्र बाहर आया तो देखा कि परीक्षा केंद्र में जमकर नकल हो रही है और अंदर से बाहर पेपर भी आउट हो रहा है। ये मेरा पेपर है लडान सरकारी स्कूल में जी। और मैं 15-20 मिनट लेट हो जाते क्योंकि शिक्षक वास जाम था इसीलिए। और सुपरिटेंडेंट को मैं अंदर गया, सुपरिटेंडेंट से बात की कि सर मेरा पेपर है आज का। सुपरिटेंडेंट बोला कि आप लेट हो गए, आपका पेपर नहीं होगा आज, आप बेशक से जाओ बाहर। मैं बाहर आया, बाहर आके देखा तो बच्चे नकल गिर रहे थे और पेपर लीक था, सभी के फोन के अंदर पेपर आया हुआ था। तो किस चीज़ का पेपर था? फिजिकल का पेपर था। अभी फिलहाल पेपर चल रहा है? पेपर चल रहा है फिलहाल। तो पेपर कैसे लीक हुआ बताओ? पता नहीं, ये इन्हीं की सेटिंग पाएगी इसलिए लीक हुआ। वो तो कैसे हो सकता है? फिर आपका पेपर में बैठने नहीं दिया? मेरे को पेपर में नहीं बैठने। क्या नाम आपका? नीतीश नाम। कौन सा गांव से? टेपली गांव। कौन सी क्लास? 12वीं क्लास। आपको बता दें कि झज्जर में अब की बार की परीक्षाएं पूरी तरह से सवालों के घेरे में रही है। नकल रहित अकल सहित परीक्षा कराने का दावा करने वाली सरकार इस मुद्दे पर झज्जर में सफल नहीं हो पाई। ऐसे में देखना होगा कि अब इस पूरे मसले पर शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई अमल में लाता है। सत्य खबर के लिए झज्जर से सन्नी खन्ना की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।